माल सारा बिक रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फसल पे 10-20-50 रुपये अप डाउन चलता रहता है बाजार में, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन फसल को देखते हुए ज़्यादा अराइवल नहीं बढ़ पा रही है, और थोड़ा सा बाजार में ऐसा भी नहीं लग रहा है बाजार ज़्यादा गिरेगा। बस ये सी तेजी मतलब 10-20-50 का ही चलेगा, न ज़्यादा बढ़ने का है न ज़्यादा घटने का है। अराइवल अगर ज़्यादा बढ़ती है तो इसमें 50 रुपये 100 रुपये निकल सकते हैं, लेकिन किसान का ऐसा लग नहीं रहा कि किसान की गवर्नमेंट की रेट 5650 है, बाजार में 5200 का भाव है। इस भाव में किसान भी अपना सोच के माल ला रहा है। कहाँ कहाँ से मंडी में सरसों आ रही है? ये अपने लोकल आ रही है, मालाखेड़ा बेल्ट, बड़ौदा बेल्ट, लक्ष्मणगढ़ बेल्ट, ये बेल्टें ज़्यादा आ रही हैं, और अभी कोई विशेष सारी जगह माल चला भी नहीं। अभी कुछ नमी भी देखी जा रही है सरसों में, क्या कारण मानते हैं? कारण ये है कि बार बार जो मौसम खराब हो रहा है, ये बार बार बारिशें होती है थोड़ी थोड़ी, तो किसान उसको नमी वाले को भी कैसा ये लगता है कहीं ज़्यादा खराब ना हो जाए, तो उसको तुरंत निकाल के मंडियों में ला रहा है। तो आज अराइवल कितनी है? 12-13 हज़ार कट्टे। और कल कितनी थी? कल 15-17 हज़ार। और कल का भाव क्या था? कल का भाव 52.5 था। तो यहाँ से जो सरसों जो मंडी में आ रही है, कौन कौन सी मिलों में जा रही है? ये सारी अलवर की जो लोकल मिलें हैं सारी उनमें जा रही है, बड़े बड़े प्लांट हैं, सारी लोकल मिलें हैं, और हमारे बगल में जो खड़े हैं ये भी जो बड़े मिलर हैं, और इनकी भी खुद की यहाँ पे मिल है, खैरतल भी इनकी मिल है। बाकी अलवर की सरसों से अलवर की मिलों की पूर्ति नहीं होती है, सरसों इन लोगों को बाहर से ही मंगानी पड़ती है, काफ़ी प्लांट हैं अलवर में। ये हमारे साथ में व्यापारी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने भाव बताया कि आज जो भाव है सरसों के अच्छे भाव हैं और ठीक ठाक भाव थे। अब हमारे साथ में यहाँ जो सरसों खरीदने के लिए मंडी में आए हैं मिलर, उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह उनको भाव मिल रहे हैं, क्या है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल गुप्ता है, एसआर एग्रो इंडस्ट्रीज व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ मैं। जी बताइए, आज यहाँ मंडी में आप आए हैं, कितनी आपने सरसों ली है, क्या है, क्या भाव है? मैंने आज 1000 कट्टे के करीब सरसों ली है, भाव 42 माल कंडीशन माल के 5200 के आसपास है, सूख के पड़ेंगे। पीछे नमीदार माल आ रहा है, तो नमीदार माल में उस हिसाब से पैसे कम हो जाते हैं। काश्तकार क्या है कि मौसम खराब होने की वजह से माल को काट के सीधा मार्केट में ले जाता है, उसमें नमी आती है 15%, 18%, 20%, तो इस हिसाब से उसके भाव कम हो जाते हैं, तो नीचे में माल 47-48 बिकते हैं, ऊंचे में 52 तक बिक रहे हैं। कितना तेल लगभग निकल जाता है पर डे मेरा? हमारा तो प्रोडक्शन पर डे का 15-16 टन तेल का है। तो तेल आपका अन्य बाहर अन्य क्षेत्रों में भी जा रहा है? तेल मेरा तेल पर्सनल तो 90% सिर्फ एक ही मिल में जाता है, अडानी मिल बाहर बेचता हूँ, या कुछ थोड़ा बहुत पतंजलि में जाता है, बाकी अडानी में ही ज्यादा तेल जाता है। किस तरह की क्वालिटी या सरसों में? क्वालिटी इस बार बहुत अच्छा है, सरसों की सीड में FIP शिकायत नहीं है, बारिश अभी नहीं हुई ऐसी, तो क्वालिटी साल अलवर डिस्ट्रिक्ट की बहुत अच्छी आ रही है। उतारा जरूर काश्तकार कम बता रहे हैं, उतारा कम बैठ रहा है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। तेल में जो FF की मात्रा है वो बहुत कम है, पिछली बार तेल 1.5 FF से ज़्यादा आता था, इस बार 0.50 आता है, तो क्वालिटी तेल की बहुत अच्छी है, मस्टर्ड ऑयल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे साथ में यहाँ जो मिलर थे उन्होंने बताया कि इस बार जो सरसों की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, अच्छा तेल तैयार हो रहा है, और तेल तैयार होने के बाद में यहाँ से बाहर भी जा रहा है, वहाँ अच्छा बिक रहा है।